नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। जिला परिषद सतगावां भाग 1 से उम्मीदवार आरती कुमारी ने किया नामांकन दाखिल। कोडरमा जिले के सतगावां प्रखंड के अंतर्गत जिला परिषद भाग 1 पद की युवा उम्मीदवार आरती कुमारी ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता कार्यालय में अनिल तिर्की के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आरती कुमारी निवेदक राम निवास यादव ने नामांकन के पूर्व अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पहुंचे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जिला परिषद उम्मीदवार ने जनता का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा, महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु तमाम सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास रहेगा। अगर जीत होगी तो जनता की जीत होगी, साथ ही घर घर तक पानी, शिक्षा, सड़क का विकास पहुँचाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। इस मौके पर राम निवास यादव, पप्पू यादव, लाल कुमार, श्रवण कुमार, नरेश मुखिया आदि लोग समर्थक मौजूद थे। निकलने वाली हर लड़की को सुरक्षित रहे। बस जो सतगावां प्रखंड के लिए हमने पहला जो बस प्रवासी मजदूर को जो भेजा है वो रामविलास यादव ने भेजा है। जैसे जंगली प्रभावित एरिया है हमारे क्षेत्र में, उनके लिए हार जाऊं इलेक्शन चाहे जीत जाऊं, लेकिन हम उनके लिए अपनी तरफ से सुविधा करवाऊंगा। महिलाओं के लिए विधवा पेंशन और जितने भी योजनाओं के तहत अगर मिलेगा उनको हम रोजगार देने का काम करेंगे। लड़की सड़क पर निकले तो सुरक्षित महसूस करे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।